अच्छा मेरे लिए गरबा का लहंगा बना दे यार गुजराती। परसों मेरे कॉलेज में गरबा है और मेरे पास नहीं है और मम्मी मेरे को रेंट पर नहीं लेने देगी। और आप इतनी जल्दी आई हैं मेरे पास। मुझे भी आज ही पता चला कि हमारे कॉलेज में गरबा हो रहा है। वाह आप इतनी टैलेंटेड हैं। बना देगी? ना बना देना यार, पैसे बचाओ, फिर मैं मॉडलिंग भी करूंगी ना खुद के लहंगा पहन के। A few moments later. मैं लेकिन जब तक नहीं बनाई मैं अपने इधर ही बगल में ही बैठ के सबके साथ पर बैठूंगी। कितने रुपए देगी? पैसे कौन देता है, तभी तो क्या मैं फ्री में बनाऊंगी। बना दे, वो तो अपना चलता रहता ना लेन देन। मेरे पास पहले के 500 रुपए कर लेगा तब मैं आ रही थी। और धीरे धीरे करके 300 रुपए हो गए और सर तो हारेगी तो और हो जाएंगे। पर जो तो सच बात है अभी तक नहीं लौटाई मेरे पैसे। हाँ चल वो सब छोड़, जल्दी से वो बना दे मेरा, ठीक है? सोचूंगी कल बताऊंगी। 2000 years later. जैसे कि मेरी मैंने इतना जिद करी रही है तो मैंने सोचा कि मैं बना ही देती हूँ गरबा। पहले मैं मटेरियल तो मैं पहले लेके आ चुकी थी, तो चुनरी पैटर्न का पिंक ये है और पैरट ग्रीन में ये और उसके अस्तर वगैरह और कोणियाँ। इससे मैं थोड़ा ब्लाउज डेकोरेट कर दूंगी ताकि थोड़ा और अच्छा बन जाए। मिलते हैं, दिखाती हूँ किस पैसे का लेना रही हूँ। और ये पीछे से क्या ढूंढ ढूंढ के ला रही है, ये फूलों की ज्वेलरी अगर लहंगे में कुछ काम आ जाए तो। इससे क्या हुआ? अरे ये पिंक में मैच हो जाएगा ना अच्छा, और पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कैसा अच्छा लगेगा, देखते हैं क्या ही बनता है। और फटाफट मैंने अपनी कटिंग चालू कर दी, सोचा कि बहुत अच्छा ही घेरदार अच्छा ताकि ये सब यदि को ही देखते रह जाए। तो अच्छे से मैंने कटिंग पूरी स्टार्ट कर दी, उसको गोल राउंड राउंड चौक ड्रॉ किया, फिर मैंने उसमें काटना उसको चालू कर दिया। फिर मैंने अपनी भाभी को बिठा दिया सिलाई करने के लिए ताकि अच्छे से सिलाई हो सके, थोड़ी हेल्प कर दी उन्होंने मेरी। जैसा कि मैं अभी अभी बाजार से आई हूँ, मेरी बहन का गरबे का दुपट्टा लेने गई थी मैं, जो कि मैं ये वाला लेके आई हूँ, चुनर पैटर्न का ड्रेस है जो कि बहुत मेहनतों के बाद मैं बना रही हूँ। थोड़ा मैं भी भाव खा लेती हूँ। चलो खाना खा, और कल शायद हम लोग भी डांस करने जाएंगे, है ना भाभी? आप चलोगे डांस करने? हाँ तो मैं तो डांस नहीं करती, बस मैं कैमरा वाली बनी रहूँगी और आपको सब दिखाऊंगी। मिलते हैं कल, क्या होता है। हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ रेडी गरबा के लिए। और मैं कैसी लग रही हूँ बताना जरूर। बाकी हम लोग गरबे के लिए थोड़ा लेट हो गए हैं, कोई हमको लेने आ रहा है, अभी तक आ ही नहीं पाया, पता नहीं कब तक आएगा। और ये रेडी होके भी रेडी नहीं है, अभी तक सज रही हैं। अब क्या रह गया है इनका बाकी? अरे ये बिंदिया पलटती है ना तो ऐसे कुछ ये डबल साइडेड टेप लगा रही है, साफ साफ बोलो ना। इनकी बिंदिया ना गिरे इसलिए टेप लगा रही हैं। बाकी ये बहुत सुंदर लग रही हैं, दिखाइए। ये ड्रेस मैंने पूरा रेडी किया है पूरे 2 दिनों में, हालांकि सबकी मेहनत लगी है, 3 लोगों ने बनाया है ये ड्रेस। हाँ, एक तो ये है इन्होंने भी ड्रेस बनाने में कोशिश की है, कोशिश और देखने ही बनाया है तभी ये पहनी है ना। यस ये लेस इसमें जो भी है वो मैंने ही लगाई है, तो बोल रही हूँ ना 3 लोगों ने बनाई है तो मैं कैसे करते रहूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। 3 लोगों ने बनाई है और ये माता श्री। हाँ मम्मी आप तो बहुत अच्छी लग रही हो, पता नहीं कब तक आएगा वो इंसान जो हम लोग को लेने आ रहा है। वो इंसान मेरे को सब्सक्राइब कर रहा है कि नहीं? नहीं। हाँ कर लेना, देख के बता है। मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को। 2 hours later. सुबह फाइनली हमको लोग लेने आ गए हैं। ये भी आप कितने दूर से आई हो? बहुत दूर से, पाकिस्तान से आए हैं। हाँ चलो चलो चलो, कुछ बाहर खड़े हैं, ठीक है ये जा रहे हैं। 8:30 हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। वैसे कितने बजे का है दीदी वहाँ पर प्रोग्राम लास्ट? इतने अच्छे की है आप।
तो फाइनली हम निकल रहे हैं। लाइट कौन बंद करेगा? क्री क्री कर, ताला कहाँ है? ताला भी तो था। अच्छा कैसी बात है, मैं तो अभी बाहर। से आ रही हो भाभी? आप अभी तक आ भी नहीं पाई। लाइट कौन बंद करेगा? हम ही करेंगे। अरे और अब यहाँ से निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। मैंने सोचा था कि सिटी से जाएंगे तो सारी दुर्गा जी और सारे डेकोरेशन देखते चलेंगे। जबलपुर का बहुत फेमस नवरात्रि मानी जाती है, पर ये लोग तो हाईवे से गए थे, कुछ भी देखने को नहीं मिला और एक घंटा और लग गया। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं और देखते हैं किस किस से मुलाकात होती है। अब हेलो, हाँ आ गए हैं भैया यहीं पर। वाह, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। हालांकि मुझे भीड़ तो अच्छी लगती है, पर इन लोगों ने मुझसे पूछा कि चलो रचे डांस करते हैं, पर मैंने बोला नहीं, मुझे डांस तो नहीं आता, तो आप लोग ही करिए, मैं नहीं कर पाऊँगी। देखा यहाँ गरबा का सॉन्ग नहीं बल्कि यहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग बज रहा था, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। नवरात्रि में गरबे के गाने बजना चाहिए और यहाँ पर गरबा स्ट्रेट होनी चाहिए, गरबा होना चाहिए, बड़े से सर्कल होना चाहिए, पर यहाँ तो बारात डांस हो रहा था, एकदम खिचड़ी वाला डांस। हालांकि मुझे यही वाला डांस पसंद है, तो मैं भी चल पड़ी कि चलो मैं भी जाती हूँ थोड़ा डांस करने। पर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन और भाभी को कैसे ढूंढूं, पर मैंने ढूंढा और मैंने यहाँ देखा, वहाँ उसका बेटा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर मैं घूमते घूमते पहुँच गई अपने ग्रुप के पास, ये लोग तो अपना ग्रुप बना के अलग ही नच रहे थे, काफ़ी ही मज़े। Oh,
A few moments later. और हम लोग यहाँ रास्ता भटक गए हैं, तो हम लोग को एक तो वीडियो कॉल पर रास्ता बता रही है। ये पिंक दीवार, यहीं से मुड़ना है। कहाँ मुड़ना है? कहाँ मुड़ना है? पिंक दीवार से घुस जाओ। हाँ, किस तरफ मुड़ना है? लेफ्ट की राइट? उतर जा रहे हम लेने आ जाओ। अब
कब लेने आओगे? भैया ने जाने की रास्ता कहाँ से है? यहाँ से तो सीधे सीधे जाना है ना, पीछे ही हो जाए। मुझसे होता नहीं चले गए हैं और आधे हम लोग यहाँ हैं और ये वीडियो कॉल पे हैं। एक तो बग्घा जो कि दिख ही नहीं रही है, जय एक तो हेलो बोलो, हेलो कितनी जल्दी पॉज देने लगी। हाँ स्वामी इन लोग के घर जा रहे हैं और यहाँ कुत्ता भी खड़ा है जिसके साथ देख रहा है। एक तो जो तेरा दोस्त अब बच जाएंगे हम दो। A few moments later. हम लोग आ गए हैं एक तो बग्घा के घर। आपको भी समझ, अरे आप आते बहू बन गई, बन गई है बस चालू नहीं हुई है। तराई राई चल रही है, मिलवाते हैं। हाय, हम लोग ने कपड़े अपने चेंज कर लिए और ये मेरा हाय प्रिया नकली ऐसी खाना वाना खा रहे हैं और मम्मी तो चालू ही हो चुकी है। बड़े भी पूरी कंपनी देते हैं ना बुलावे। और जो कि जे मेरे को सब्सक्राइब ही नहीं किया था, मेरा घर का सदस्य हो के ठीक है, खाना वाना खा लेती हूँ। 2 hours later फूड जैसे लग रहे हैं। चलो भैया आ गए हैं और हम लोग को जाना पड़ रहा है। सब बेहाल हो गए पर जे अभी तक ताजा ताजा है, ताजा ताजा फूल खिला है और जो तो सो के उठा है। चल एक तबक्का मिलते हैं, बाय बाद में। अच्छी अच्छी लैंग्वेज यूज कर। हाँ सो भैया हमको मिल गए हैं। क्या हो रहा है, क्या हुआ? चलो प्रियांश में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ब्लॉग यूट्यूबर बन गए ना। चलो चल तो मैं नो आ बैठो। और यहाँ हम निकल पड़े अपने घर की और यहाँ देखा कि यहाँ तो पंडाल है तो क्यों ना दुर्गा जी देख लिया जाए। यहाँ देखा तो वाओ, यहाँ तो बाल रूप में माँ दुर्गा जी बैठी हैं, झूला झूलते हुए। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बनाई है इनकी मूर्ति, बहुत ही सुंदर लग रही है। बाल रूप और हम लोग ने रास्ते में जाते जाते देखा यहाँ शंकर जी की गुफा बनी है जिसके अंदर माँ दुर्गा जी विराजमान है। बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे ये मूर्ति। पर यहाँ की समिति का मुझे समझ नहीं आया, लोग बोलते हैं कि जूते चप्पल पहन के अंदर चले जाओ, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर यहाँ का जो डेकोरेशन था मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा बनाया गया है। चल रही थी दिखा दे, पीछे देखते हुए चल। ये
ये बर्फ है वो काशी का देखा कितना सुंदर थी पे बनाया है एक भंडार वाह यहाँ के रोड तो काफी बहुत खूबसूरत थी ऐसा लग रहा था पूरी सुनहरी चादरों से रोड को ढक दिया गया है वाकई जबलपुर में तो धूम मच जाती है नवरात्रियों पर चल रही हो अजीब सी जब तो सज के गई थी ची क्या हुआ रास्ते में जा रही अपने रूम में सोने दो इधर देखो भाभी से इधर देखो इनको तो मेकअप ही नहीं होता रोक अन भाई आ चुके हैं 8 hours later गुड मॉर्निंग एवरीवन आज हमारे राम जी आए हैं हाँ ना हेलो बोलो बेबी हेलो नहीं बोलते राम अच्छा नमस्ते बोलो राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो अच्छी से राम जी बहुत लड़े आ रहे हैं राम जी तो बड़े अपडेट वर्जन चम्मच से खाना खा रहे हैं मॉडल राम जी हो आप राम जी क्या कर रहे हो राम जी चश्मा लगा के आए थे थोड़ा टेढ़ा लगा है राम जी अच्छे से खा लो भूला भूला नहीं घूमना घर जा रहे हो राम जी बाय कर दो उनको मैं जा रहा वो तो सीधे झूला झूलने गया यहाँ टेंट काय का लग रहा है अच्छा उनके घर है वो तो नहीं आने वाला सा लग रहा A few moments later. मम्मी इतनी सारी चीजें फैला के क्यों रखी हैं जो कागज वगैरह अरे भैया बोल रहे हैं पासबुक की किताब भूल लो मम्मी लेने वाली तो ये मिल चुकी है ये रख दी और भूल रही क्या और देखो क्या क्या है इसमें और ये रिया वाह कितनी सुंदर ये फोटो आई देखो दिखाना जरा वाह कितनी प्यारी प्यारी किस किस की फोटो है रिया की है ये सब तो मेरी सारी फ्रेंड्स की फोटो होगी देखो अरे राज का रुमाल छोटी बच्ची का रुमाल बाबू का और ये क्या है अरे वाह ये तो राहिब के पेड़ है जो
अरे ओ वाओ देख सुंदर है रे। मेरा बाबू जब 6 माह का था तब हमारे घर आया था, तब केक पे कदम है देखो लास्ट तक छपे उसके पैर। छठवीं उंगली भी आ गई। अरे ये वाला पैर ज्यादा अच्छा छपा है, कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरी 6 उंगली छपी उसमें। अरे वाह यार, ये तो अच्छी चीज भी लगाई। इसको अपन निर्मित करवा लेंगे है ना। हाँ करवाएंगे। मेरा बाबू छोटा सा बाबू, प्यारा बाबू, हमारे घर का सबसे पहला नाती है। मम्मी आपने उल्टा घड़ी कर दिया, उसको सीधा करो। वाह यार, सफाई करने से ऐसी चीजें मिल जाती हैं, अच्छी अच्छी चीजें। चिकू नच रही उधर। ए मेरी सट हटा देना, मुझे दी थी जे। घर कैसा गंदा पड़ा है। मम्मी ऐसा ही चीजें आप रख देना, मैं तो नहीं रखू।